चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, रियल नंबर और इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैं एमसीक्यू करवाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जितने भी हो सके उतने ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और जितना हो सके इस चैनल को उतना शेयर कीजिए। आपको केवल समझना है इसकी पीडीएफ, इसकी यदि आपके पास बुक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसका विद सॉल्यूशन समेत, ठीक है। ओनली समझिए आपको, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर द गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिट इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इक्वल टू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी इज नॉन एज। अब इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, इसमें ये पूछा गया है, कोई यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया हुआ है ए और बी, ठीक है, और वहाँ पे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू और आर निकल के आता है जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो आर होना चाहिए, आर क्या चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ तरीके से। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी इंटीजर नंबर है। यहाँ पे किस तरीके से मैं आपको सिंपल वे में लिख के दिखा रहा हूँ इसमें इस तरीके से बोला गया है। यहाँ पे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, ये किस फॉर्म में होती है, जब हम डिवीज़न जब सॉल्व कर लेते हैं, जब वेरीफाई करते हैं तब लिखते हैं इसे। तो ये जो नंबर माना गया है ये ए, ये अंदर वाला नंबर माना हुआ है, और ये माना हुआ है बी बाहर वाला नंबर। जब बी ए को डिवीज़न करता है तो आपके पास एक क्यू आता है और नीचे जो बचता है वो आर आता है, ठीक है। ये होता क्या है, इसको कहते हैं आप यहाँ पर कहते हैं इसको कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइज़र कहते हैं इसे, ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटेंट, ठीक है, क्वांटेंट कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। जो रेडियस होती, जो इसका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है हमेशा या तो जीरो के बराबर आएगा, मतलब जीरो आंसर आएगा, या जीरो से बड़ा नंबर आएगा, और हमेशा जो बी होता है, बी क्या है यहाँ पे डिवाइज़र से हमेशा छोटा आएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज़ करो आप डिवीज़न कर रहे हो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 18 ले लिया, 4 से डिवीज़न कर रहा हूँ मैं इसे, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपके पास नंबर आया है, यहाँ पे जो नंबर आया है ये इससे छोटा नंबर, हमेशा छोटा ही नंबर आएगा तभी डिवीज़न कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, इस फॉर्म को यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द सम और डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी, इसका मतलब ये है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का यदि आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 3 + √2। इसमें भैया बोला गया है कोई रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, जब इन दोनों को प्लस करोगे आपस में तो प्लस क्या होगी इरेशनल नंबर ही होगी। आंसर जो आएगा आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा, समझ में आ गया, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसका देखिए यहाँ पे 4/5 - √5, मतलब माइनस करोगे तब भी आपके पास रूट वाला नंबर आ रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी। इस कारण ये क्या आंसर है यहाँ पे, इसका बी इसका आंसर है, समझ में आ गया, बी इसका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ है लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू कोई नंबर आपने लिया हुआ है, बी ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है पहले बोला गया है रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब क्यू के जो प्राइम फैक्टर करे हुए हैं नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर करे हुए हैं जो कि नोट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, 5 की पावर n, मतलब इस फॉर्म में है नहीं, मतलब उसके जो फैक्टर बनते हैं ना वो 2 और 5 के फॉर्म में तो है ही नहीं, वेयर m n बींग्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो m और n है, जो इसकी पावर m और n है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब वो पॉजिटिव में है, पावर उसकी पॉजिटिव में है, देन x हैज़ ए डैश डेसिमल एक्सपेंशन, जो x होगा जो नंबर आएगा आपके पास वहाँ पे, तो वो नंबर कौन से डेसिमल एक्सपेंशन में होगा, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नन ऑफ दीज, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं देखे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री का मैंने एग्जांपल लिया है 2/3, देखिए अब यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब बट्टे की स्केल में लिख गया, अब यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है आपके पास वो 2 और 5 के फैक्टर में नहीं आना चाहिए, तो 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है ये, तो 3 है यहाँ पे, अब इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा, मैं डिवीज़न कर देता हूँ इसको, डिवीज़न करूँगा तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ गई तो 3 6 18 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतारूँगा मैं यहाँ से 3 6 18, मतलब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 0.666 ये चलता ही रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, बार का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा नंबर हो गया, देखो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर कभी भी कैंसिल आउट ना हो, क्या हो गया यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर क्या हो गया, जो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है। अब रिपीटिंग का मतलब जो बार बार आए, अब देखो यही तो कंडीशन हो रही है यहाँ पे, ये कभी कंप्लीट तो होगा नहीं, कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, और ये रिपीट होता ही रहेगा, तो ये कंडीशन हो गई। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कट जाए, 0 रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आए कभी भी। अब जो ये कंडीशन होती है सी वाले की, ये होती है इरेशनल नंबर की, जो कभी भी कैंसिल आउट ना हो और ना ही रिपीट हो, नंबर ऐसा आए कि वो कोई ना कोई नंबर आ, जिस 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो नंबर चलता ही रहेगा, उसमें चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक, तो ऐसे नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर। लेकिन हमें रेशनल नंबर के बारे में बात करनी है, तो मतलब इस और इस स्टेप को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये आंसर होगा इसका, तो 0.66 ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी कंपोजिट नंबर कैन वी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूअर, दिस स्टेटमेंट इज बेटर नॉन एज, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर उसे फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर में आपको लिखना है, मल्टीप्लाई में। दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, मतलब यूनिक का मतलब है जब आप फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे तो उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए नंबर का, तो इस ऑर्डर में को जब प्राइम फैक्टर ऑक्यूर में लिखोगे आप वहाँ पे, तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं आपका, क्या आपने फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा पढ़ा था, नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी है, तो इसका आंसर बी हो गया। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4th क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे इसमें बोला गया है कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, यूनिक का मतलब होता है इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, भाई 2 के और फैक्टर हो सकते नहीं, 2 के और नहीं, 5 के नहीं, तो ये यूनिक फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। तो इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, तो बी इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए, फॉर सम इंटीजर m, m जो है वो कुछ इंटीजर नंबर है, एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, मतलब इवन इंटीजर नंबर की आपको फॉर्म बतानी है कौन सी हो सकती है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन दिया हुआ है m, m प्लस 1, 2m, 2m प्लस में 1, आपको इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर होता है जो 2 से डिवीज़न हो जाता है, बस इतना पता होना चाहिए, 2 से डिवीज़न होने वाले नंबर होते हैं, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ओनली बस बहुत है इतने एग्जाम्पल को आपको इन्हें प्रूव करने के लिए। देखो यदि मैं इसको 2 लेता हूँ,
मैं इसको टू मानता हूँ। क्या आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नहीं पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ, टू के बारे में क्या लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टू लिया, टू एम माना है, तो टू में क्या प्लस करोगे आप? यहाँ पे टू में प्लस करोगे वन, कितना आएगा? थ्री, यहाँ पे तो ये नंबर आ गया। यदि आप फोर मानोगे, यहाँ पे फोर में कितना प्लस करोगे? यहाँ पे फाइव, ये आ गया आपके पास। लेकिन ये तो हमें इवन नंबर लेने हैं यहाँ पे, लेकिन ऑड नंबर आ गए, तो इसका आंसर ये नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, यदि आप इसको टू मानते हो भाई, टू मल्टीप्लाई एम की वैल्यू टू मानते हो यहाँ पे, तो टू टू ज़ा कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा, ठीक है। टू मल्टीप्लाई एम की वैल्यू फोर मानते हो तो कितना आएगा? फोर टू ज़ा एट आ जाएगा, ये भी ठीक है। यदि एम यहाँ पे सिक्स मानते हो, यदि आप यहाँ पे सिक्स मानते हो तो एम यहाँ पे सिक्स मानते हो तो कितना आ जाएगा? ट्वेल्व आ गया, हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो आप क्या काम करोगे यहाँ पे, इसका आंसर आपके पास ये हो गया। इसका आंसर क्या है यहाँ पे? सी, सी इसका आंसर है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप टू पुट करते हो यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन, तो टू टू ज़ा फोर, प्लस में वन कितना होगा? फाइव, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फोर सम इंटीजर क्यों? ठीक है, क्यों एक इंटीजर नंबर है? एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, हमें ऑड इंटीजर नंबर के बारे में बताना है। जैसे हमने फाइव फिफ्थ क्वेश्चन किया था ना, इवन नंबर ढूंढा था, ऐसे ही आपको ऑड नंबर ढूंढना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। आपको पता है जो क्यों है ना, ये इंटीजर नंबर है। क्यों है जो इंटीजर नंबर? इंटीजर नंबर हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लेते हैं, वन ले लिया, टू ले लिया, थ्री ले लिया, फोर, ये सब इंटीजर नंबर है। तो मैं इसमें पुट करूंगा, वन पुट करूंगा वन आएगा, टू पुट करूंगा टू आ जाएगा, थ्री पुट करूंगा थ्री आएगा। तो यहाँ पे तो ऑड नंबर तो और इवन नंबर दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब मैं इसमें देखता हूँ, मैं वन पुट करता हूँ यहाँ पे, वन प्लस वन कितना आएगा? टू आ गया, ये तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, हमें तो ऑड नंबर चाहिए, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं टू में कितना मल्टीप्लाई करूँगा? सबसे पहले वन पुट मल्टीप्लाई करूँगा, तो टू वन ज़ा टू आ गया, फिर टू पुट करो इसमें, टू मल्टीप्लाई टू तो कितना आ गया? फोर आ गया। यहाँ पे तो ऑड, यहाँ पे तो इवन नंबर आ रहे, तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टू मल्टीप्लाई वन पुट करता हूँ, प्लस में वन, तो टू वन ज़ा टू, टू वन कितना हो गया? थ्री हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा नंबर भी ले लेता हूँ मैं, टू टू प्लस में वन, टू टू ज़ा फोर, फोर और वन कितना होता है? फाइव। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर आ रहे हैं आपके, आपके पास ऑड नंबर आ रहे, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया, डी इसका आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द यूनिट डिजिट ऑब्टेंड ऑन सिंप्लीफाइंग 0.7 मल्टीप्लाई 3972 मल्टीप्लाई 97, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट वाले डिजिट से मतलब है ओनली। एक यूनिट डिजिट का वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको लास्ट डिजिट से मतलब है, बस केवल लास्ट डिजिट से मतलब है। सेवन की मल्टीप्लाई करो नाइन तक, सेवन की मल्टीप्लाई करो नाइन तक, सेवन नाइन जा कितना होता है? सेवन नाइन जा 63 होता है, 63 होता है, और टू फोर जा कितना होता है? टू फोर जा कितना होता है आपके पास? एट होता है। अब यहाँ पे आपको कोई और लेने की जरूरत नहीं, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। एट थ्री जा कितना होता है? एट थ्री जा होता है आपका 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे? फोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा सेवन का सी, इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, सी इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास यहाँ पे एट। इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम मतलब ऐसा कौन से नंबर है, कितने नंबर हैं जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, टोटल है कितने? वो आपको पता है यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन में ओनली वन हम देखे। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होता क्या? केवल दो फैक्टर होते हैं, लेकिन वन तो वन से ही डिविजन होता है और किसी नंबर से डिविजन नहीं होता है, तो इसके एक फैक्टर हो गया, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे इवन के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले टू आता है, मैं टू को चेक कर लेता हूँ। टू चेक करोगे तो यहाँ पे वन से डिवीजन हो जाता है और टू से डिवीजन हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, तो दो फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर हो गया यहाँ पे, ये प्राइम नंबर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ये इवन नंबर भी है, ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ लेते हैं आपसे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी पूछ सकते हैं आपसे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताइए, ठीक है। अब सबसे उसके बाद क्या पूछ सकते हैं आपसे, आपसे पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम
नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, इसके बाद 3 होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये बड़े ध्यान से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बी ऑब्टेंड बिटवीन 2 और 3। कभी भी आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जरूर नहीं 2 और 3 आए, कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए बट इनके दोनों के बीच में नंबर कितने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना किसी दो नंबर के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गया, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यदि आपको रेशनल नंबर के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी डिटेल रियल नंबर के बारे में जानकारी ले सकते हो, कौन सा नंबर क्या होता है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। समझ में आ गया, और 8 का जो आंसर था वो था बी, केवल एक ही नंबर है यहाँ पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ m की पावर n इज इक्वल टू 32, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे पास m और n है ये पॉजिटिव है दोनों, देन द वैल्यू ऑफ n की पावर एम एन इज क्या होगी, ये आपको बताना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप किस तरीके सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना, काम करना आपको, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके फैक्टर कर लीजिए, इस तरीके से कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पावर में लिखना है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, कितनी लिख सकता हूँ, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आ गया, अब बराबर में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, m की पावर n, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल में जब इस तरीके से लिखा रहता है ये, तो m जो नीचे बेस है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों नंबर सेम होते हैं, हमेशा यहाँ पे बेस सेम होता है और पावर सेम मानी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5 हो गई। समझ में आ गया, ये हो गई, तो हमें वैल्यू यहाँ से इसकी फाइंड आउट करनी है, तो n क्या है हमारे पास 5, तो इसका मतलब बेस लेना मुझे यहाँ पे, मैंने 5 लिख दिया बेस, और n और m का रिलेशन क्या है, पावर मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में मतलब 2 × 5, तो कितना आ गया आपके पास, 5 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, 10, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 10, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 की पावर 10, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल नोट 0 इज ए रेशनल नंबर इज, इसका मतलब ये है कोई नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, वो रेशनल नंबर है इसलिए नहीं हो सकता, तो वो पी अपॉन क्यू किस पर क्या क्या होंगे, कौन से नंबर होंगे वहाँ पे, पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर होगा ये तो कभी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल है तो रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, पी और क्यू आर द रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं वहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे रहते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। को प्राइम नंबर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/5 को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं केवल ये 1 से ही डिवीज़न होना चाहिए, इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, केवल 1। देखो ऐसी कोई टेबल नहीं जिसमें 3 और 5 दोनों आते हो, ठीक है, ओनली ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6/ ले लिया, यहाँ पे आपके पास ले लिया 7 ले लिया, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, ऐसी कोई टेबल नहीं है, तो ये केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर 1 से ही डिवीज़न हो सकते हैं, तो इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना पी अपॉन क्यू जो होंगे ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर होंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर जो हो गया आपके पास, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, n की पावर 2 − 1 इज डिविजिबल बाय 8, यदि ये इस फॉर्म में 8 से डिवीजन होता है तो ये इफ n इज, मतलब n क्या होगा इसमें, यदि n क्या होगा, कब डिवीजन हो सकता है, n क्या नेचुरल इंटीजर नंबर हो सकता है, यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या ऑड नंबर हो सकता है, क्या इवन नंबर हो सकता है, तो उसके लिए मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 12 के, मैंने सॉल्व करने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेना स्टार्ट करूँगा। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर में सभी नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं और सभी पॉजिटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, समझ में आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर आप लोगे तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में चेंज हो गया, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे इवन है, पावर क्या है यहाँ पे इवन, कभी भी इवन पावर होती है तो हमेशा पॉजिटिव में आता है नंबर, तो पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव वाले नंबर ले सकते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव वाले नंबर लोगे आप, यहाँ पे जैसे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 का आप स्क्वेयर
करोगे, माइनस वन करोगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, जिस नंबर से हम डिवीज़न करते हैं ना, जिस नंबर से डिवीज़न करते हैं उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़ा नंबर आना चाहिए अंदर की तरफ। तो हमें ऐसा नंबर पुट करना है यहाँ पे कि इस नंबर को सॉल्व करके, इस नंबर को सॉल्व करके आपके पास 8 आए या 8 से बड़ा नंबर आए। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 3, मैंने 3 का स्क्वायर किया, माइनस में किया 1, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा इसे, तो मेरे पास कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 8, तो 8 से डिवीज़न हो जाएगा। अब इंटीजर नंबर चल रहा है तो रेगुलर चलेगा ये। मैं 4 का स्क्वेयर करता हूँ, 4 का स्क्वेयर करूँगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, 4 का स्क्वेयर करूँगा 16, 16 माइनस 1 कितना आएगा 17, 17 क्या डिवीज़न हो जाएगा 8 से, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, समझ में आ गया। अब नेचुरल नंबर में रेगुलर नंबर होते हैं, 1 पुट कर लीजिए, इसमें 3 से स्टार्ट करना होगा आपको, 3 का स्क्वेयर जैसे मैंने यहाँ पर करा, फिर 4 का करोगे तो वही सेम, तो इससे भी डिवीज़न नहीं होगा। अब ऑड नंबर पर आ जाइए, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवीज़न नहीं होता, तो 2 से डिवीज़न नहीं होगा तो 1 इसमें यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा नंबर आएगा। 2 यूज करोगे, 2 टू 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, तो वो यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या लोगे यहां पे 3, चलो मैंने 3 ले लिया यहां पे, ठीक है। ऑड नंबर है यहां पे, 3 का स्क्वायर किया, माइनस 1 किया, तो कितना आएगा आपके पास यहां पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 को 8 से डिवीजन करोगे, डिवीजन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ले लो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 24, डिवीज़न हो जाएगा इजीली, तो ये भी डिवीज़न हो रहा है। एक नंबर और लिख लेते, क्या पता ये गलत आए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 7, 7 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, 7 का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 1 तो कितना आएगा 48, माइनस करोगे आप यहाँ पे 8 से तो आपके पास 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, सी ऑड नंबर। एन क्या होगा यहाँ पे, एन क्या होगा, एन जो होगा वो ऑड नंबर होगा। यदि एन ऑड नंबर है तो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए 8 से डिवीज़न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, इसका आंसर हो गया आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर, तो इसका आंसर सी हो गया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द रेशनल नंबर देन वी आल्सो गेट, इसका मतलब ये है कोई नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो नंबर नहीं है और कोई नंबर है, जीरो को छोड़ के सभी नंबर हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर से, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीज़न हो। यदि इरेशनल नंबर से आप उसे सॉल्व करोगे, इरेशनल नंबर में कॉन्टैक्ट रखोगे, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसका आंसर हो गया आपके पास यहाँ पे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125, सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है जो 70 और 125 को डिवाइड करता हो, लीविंग रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपको छोड़ देता है 5 और 8, मतलब इससे डिवीज़न करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और इससे डिवीज़न करोगे, ठीक है, तो 8 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है इसमें से, वो आपको देखना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको करोगे क्या, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड के लिए यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 70 और 125 यूज़ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है 70 का तो 5 रिमाइंडर है और 125 का 8 रिमाइंडर है, दोनों को माइनस कर दो आपस में, माइनस करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 65, और इसको माइनस करोगे तो इसका आया 117 आ गया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, या तो इन दोनों का HCF आप निकाल दीजिए, या आप ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, कि यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या 13 से डिवीज़न हो सकते हैं, 13 से डिवीज़न हो सकते हैं 13 5 13 9, हो सकता है क्या 65 से, क्या 8 75 से, या 17 50 से, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 13, तो 13 इसका आंसर हो गया, 13 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर आपको 13 में भी सेम यही पूछा गया था, इफ़ द नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड का यूज़ हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, बस इतना अंतर और कुछ अंतर नहीं है, वही सेम पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल दैट एंड इरेशनल नंबर, मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो क्या आएगा, हमेशा आपका इरेशनल नंबर निकल के आएगा, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 इफ़ द राइट 0.5 इस बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे एज ए रेशनल नंबर वी गेट, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो इससे ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए 0.5 बार मतलब वो नंबर इस तरीके से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है यहाँ पे वन डिजिट के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट नंबर के लिए ये नंबर तो सेम उतार दीजिए, यहाँ पे आपने सेम उतार दिया, यहाँ पे अपॉन में क्या लिखना है जितने डिजिट रिपीट होती हैं उतनी बार 9 आ जाता है, तो एक बार डिजिट रिपीट होती है और एक बार 9 लिख दीजिए, कैंसिल आउट तो कुछ नहीं होगा, यही इसका आंसर है सेम। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17, इसमें लिखा हुआ है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आपको ना इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, अब उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, वो चलता ही रहता है, तो ऐसा नंबर क्या होता है इरेशनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2.5 है, इससे आगे कोई डिजिट है ही नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोई डिजिट और भी नहीं आ रही, तो इसकी लिमिटेड है ये, तो ये तो रेशनल हो गया, ठीक है। अब 2.001 ये भी लिमिटेड है, तो ये भी रेशनल हो गया। अब लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पे 2.133 कुछ डिजिट ही रिपीट हो रही है, उसके बाद 4, 5, 6 दोबारा से अलग अलग डिजिट आ जाती है, तो इनफाइनाइट बता रहा है यहाँ पे, ये डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट आगे चल रहा है इसी तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास सी हो गया। समझ में आ गया, 2 और 3 के बीच में जो इरेशनल नंबर है वो हो गया ये, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, ऑप्शन पूछ दिया जा सकता है आपको, ऑप्शन नॉन रिपीटिंग डिजिट, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। अब इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे, भाई 1 से 10 तक जितने भी नंबर है ना उस नंबर से ना डिवाइड होना चाहिए, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो ऐसे चेक करने के लिए क्या करोगे आप, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे 10, 100, 504, 2520 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 से तो आपको चेक करना ही नहीं है, 1 से तो सभी नंबर डिवीज़न हो जाते हैं, तो इसको हटा दीजिए, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड है। अब इसके बाद 2 देखिए, 2 से भी सभी नंबर डिवीज़न है क्योंकि 1 नंबर है, इसको भी हटा दीजिए। अब इसके बाद 10 से भी सभी नंबर 10 से नहीं, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे 3 से चेक करना है, 7 से चेक करना है, 3 से 7 से, 4 से, 5 से और 9 से चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप 9 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 का रूल क्या कहता है कि सभी नंबर को एडिशन करके 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सभी नंबर को एडिशन, क्या यहाँ पे एडिशन करोगे डिजिटन को, क्या 9 आता है, नहीं आता, इनको एडिशन करोगे 9 से डिविजन हो जाएगा, नहीं आता, इनको एडिशन करोगे 5 और 4 कितना होता है 9, तो ये 9 से डिविजन हो जाएगा, ठीक है, क्या ये हो जाएगा 2, 5, 2, ये भी 9 होता है, तो ये भी 9 से डिविजन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर 9 से डिविजन नहीं हो सकते, तो इसको हटा दीजिए, ये नंबर है नहीं। समझ में आ गया, एक नंबर से भी डिवीजन नहीं हो रहा तो उसको हटा दो, तो हटा दिया। अब ये दो नंबर बचे हुए हैं यहाँ पे, दो नंबर बचे हुए हैं यहाँ पे, तो इसको चेक करोगे आप 9 से, तो अभी ये दो नंबर चेक हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करिए 7 से, किससे करना है आपको, सो आप 5 से देख लीजिए, आप 5 से, 5 से ही आंसर निकलने वाला है। 5 से, 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल ये कहता है, 5 का रूल ये कहता है, 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो इसमें क्या लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी यहाँ से हट गया। अब इसमें लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, ठीक है, और ये सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जब इसमें से कोई नंबर नहीं है तो एक लास्ट नंबर बचा है, तो ये डिवीज़न हो सकता है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द एच सी एफ ऑफ 65 and 1117, ठीक है, ये इन दोनों का जो एच सी एफ है इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m-117, देन द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है जो 65 इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ है वो बराबर इसके है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है 65 और 117 का जो एच सी एफ होता है, एच सी एफ बराबर किसके हैं, 65m-117 के, ठीक है। सबसे पहले इसका एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ कैसे निकालोगे, देखो इतना बड़ा नंबर है तो कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है 13 5s होता है और ये 13 9s होता है, तो कॉमन क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका एच सी एफ होता है, तो 13 इसका एच सी एफ हो गया, तो हमें मिल गया 65m-17, तो ये मिल गया, हम इसको लिख देते हैं, इसको उठा के आप इस तरफ ले जाओ, यहाँ पे माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 13 में आप प्लस करोगे 1, 1, 7,
इक्वल टू 65 m आ गया। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ गया 130 आपके पास आ गया, 65 m आ गया, 65 m आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो 130 अपॉन में 65 कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ गया। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, इसका आंसर हो गया आपका 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 87 एंड 97 लीविंग 7 एज रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए, आपको पूछा गया ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वहाँ पे दो रिमाइंडर थे, यहाँ पे एक रिमाइंडर है। अब यहाँ पे 87 और 97 को उस नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा 7 रिमाइंडर बचता है। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आपके पास आया इन दोनों को इसमें से माइनस करना होगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 87 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और ये 97 लिखा हुआ, 7 रिमाइंडर बचता है दोनों का, तो दोनों को मैं माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 80 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें से ऐसा कोई नंबर देखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर देखना बस ओनली, खत्म झंझट। या ऐसा मान लीजिए भाई एच सी एफ निकालना मुझे, ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है, 10 ये एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 1 को छोड़ के। यहाँ पे 87 97, ठीक है, 63 800, तो यहाँ पे 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो गया 10। वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मैं लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 की। तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।